हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी ताप्ती नदी, डी गोमती नदी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी बोलने वाली रोबोट का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है ए काजल, बी रेशमा, सी माधुरी, डी अनुपमा। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेशमा। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की धरती कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए भारत को, बी चीन को, सी जापान को, डी अमेरिका को। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान को। दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी कबड्डी, सी टेबल टेनिस, डी हॉकी। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी। दोस्तों, हमारा पांचवा प्रश्न है, इंसान का दिमाग कितने वर्ष के बाद कमज़ोर होने लगता है? हमारा ऑप्शन है ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 65 वर्ष। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 वर्ष। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए जापान में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी चीन में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान में। दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न है, बम बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए नारियल का, बी आम का, सी बादाम का, डी अमरूद का। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बादाम का। दोस्तों, हमारा आठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल हैं? हमारा ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में, डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। दोस्तों, हमारा नौवां प्रश्न है, किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमारा ऑप्शन है ए हमिंग बर्ड, बी मोर, सी कोयल, डी कबूतर। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। दोस्तों, हमारा दसवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? हमारा ऑप्शन है ए भारत में, बी जर्मनी में, सी अमेरिका में, डी इंग्लैंड में। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जर्मनी में। दोस्तों, हमारा ग्यारहवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है? हमारा ऑप्शन है ए केरल, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्किम। दोस्तों, हमारा बारहवां प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है? हमारा ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी लद्दाख। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लद्दाख। दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? हमारा ऑप्शन है ए इंग्लैंड में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी चीन में। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड में। दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, कटहल किस देश का राष्ट्रीय फल है? हमारा ऑप्शन है ए जापान का, बी श्रीलंका का, सी रूस का, डी फ्रांस का। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका का। दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, काला सेब कहाँ पाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए भारत में, बी अमेरिका में, सी चीन में, डी जापान में। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन में। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट में लिखना है। हमारा प्रश्न है साबरमती आश्रम कहाँ है? दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।